वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ आशीष, धागा लपेटते लपेटते काफी देर हुई है, मेट्रो से बात कर ही लेते हैं। और आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त टाटा स्टील कोलैप्स हो रहा है आशीष, और टाटा स्टील में ये फॉल पिछले 3 दिन का आशीष, ये वो फॉल है जो कि हमने नवंबर में विटनेस किया था। उस वक्त 200 डेमा बच गया था, मतलब टूटा लेकिन 2 दिन में रीगेन हो गया था, लेकिन इस बार नहीं रीगेन हो रहा। एक काम कीजिए, पहले तो इसकी 1050 की पुट लेके आइए। 1050 मेरे ख्याल से थोड़ी सी दूर हो जाएगी, वी डोंट हैव दैट मच टाइम वैल्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट 13 तारीख तो हो ही गई है। टाटा स्टील की एक ट्रेड ले लेते हैं आशीष, फिर बात करते हैं। टाटा स्टील की पुट लेके आइए, इस पर जितने भी पुट लिए हमने पिछले 10 दिन में सब ने अच्छा पैसा बनाया है। 1050 की पुट रखिए प्लीज स्क्रीन पर। अजीत मिश्रा जी, 1050 की पुट पे क्या व्यू है आपका, लेनी चाहिए क्योंकि क्रैक हो रहा है टाटा स्टील में बहुत बड़ा, और चांसेस है कि 1 दिसंबर 2021 से लेकर अब तक का जो बेस है वो वॉलेट हो सकता है, आपका टेक? बिल्कुल विनेंद, मुझे 1040 की स्ट्राइक मिल रही है इसमें, आई गेस 20 का स्ट्राइक का डिफरेंस के लिए ट्रेड करता है, तो वो 20 रुपए के अराउंड में ट्रेड कर रही है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट करेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, तो 15 के स्टॉप लॉस के साथ 30 के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए 1040 का पुट इन टाटा स्टील। ये पुट अगर आप देखें 20-30 पे ट्रेड करते हुए, आपको एक डेफिनेटली क्वेश्चन रखना पड़ेगा, और 20-50 इस वक्त टाटा स्टील की ये पुट ट्रेड करते हुए, अब 20-70 और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, और मेटल्स कोलैप्स होते हुए निफ्टी अब 15842। असित हमारे साथ एक और ट्रेडर हैं बातचीत करने के लिए इस वक्त। असित बताइए, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त, स्क्रीन पर दिख क्या रहा है आपको, कौन सी पुट ऑप्शंस, कौन सा इंडेक्स, या फिर कौन सा अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर आपको शॉर्ट करने के लिए पर्याप्त लग रहा है? गुड आफ्टरनून विरेन जी, मुझे लगता है कि एचडीएफसी एएमसी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिस वजह से फिर शॉर्ट बिल्टअप हुआ है अराउंड 4% का, एंड ये क्रिटिकल लेवल मुझे लग रहा था कि 1800 के लेवल को होल्ड ऑन करेगा, बट इट इज नॉट द केस टू बी। तो एचडीएफसी एएमसी विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 1805 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1765 के रेंज में, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा करेक्शन हमें डीप देखने को मिल सकता है। HDFC AMC अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डीप करेक्शन देखने मिल सकता है। टाटा स्टील में अगर आप देखें तो हमने एक पुट की बात करी, और कुछ काउंटर्स जो क्रैक हो रहे हैं इस वक्त, याद रखिएगा उसमें जरा 2-3 स्टॉक्स और लेके आता हूँ मैं जो कि क्रैक हो रहे हैं। लॉरस लैब डेलो पर, हनीवेल ऑटो को देखिए 34200 पे, इस दौर की नई लो ट्रेजेक्ट्री पे। उसके बाद आप चंबल फर्टिलाइजर्स को देखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो पेन है। आशीष बैठी जी, हम लेकिन मेटल्स को नहीं छोड़ेंगे, टाटा स्टील पे हमने एक व्यू लिया, मेटल्स में आपको और कौन कौन से स्टॉक्स क्रैक होते हुए नजर आ रहे हैं 1-2 दिन के प्रोस्पेक्टिव से, स्विंग प्रोस्पेक्टिव से, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगले शुक्रवार गुरुवार तक कौन कौन से स्टॉक्स में आप स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कोई पुट ऑप्शन, कोई शॉर्ट थॉट आपका? जी वीरेन जी, JSW स्टील अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपने 200 डेमा को ब्रीच किया, और हमें लगता है कि यहाँ से और इंटेंसिफाई होते हुए देख सकती है इसकी सेलिंग। तो JSW स्टील का जो 590 का कॉल है उसमें भी, 590 का जो पुट है उसमें भी एक पोजीशन बनाई जा सकती है, 16 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये ऑलमोस्ट 26 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है, जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 10 रुपये का। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो जिस हिसाब से फॉल हो रहा है, हमें लगता है कि 575 तक के लेवल्स इसमें देखने